बेटा हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय भैया श्री सम्मानीय हमारे वरिष्ठ कीर्तनकारों में जिनकी गणना आती है श्री राजेंद्र रागी जी सौभाग्यशाली हैं आपके प्रयागराज की धरती में आपको अवतरित होने का ये सौभाग्य प्राप्त है। हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपकी ओर से। ये प्रथम मेट के रूप में 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं। भैया रागी जी आपका नाम ही रागी है तो आप में वो राग क्यों ना हो। साधुवाद धन्यवाद है और अनकी कार्यकीर्तन कार्यक्रम में रुचि लेने वाले पुलिस विभाग में बहुत कम लोग होते हैं लेकिन आज हमारे मंच पर इसने है कि डोर से बंधे श्री गुलाब चंद जी दीवान जी आप करवी में इस समय तैनात हैं यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं श्री गुलाब चंद जी। मैं चाहता हूँ कि भगवान आपको साहस दे और प्रगति के नए नए रास्ते आपके सामने खोले ताकि आप अगली बार मिले तो दीवान शब्द आपके साथ न लगा हो। भले ही चाहे एक स्टार हो या दो स्टार हो अगली बार आप स्टार के साथ हमको मिले मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। श्री फूलचंद यादव जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं भेंट हुई हैं। ईश्वर करके आपका चेहरा हमेशा फूल की तरह ही खिला रहे और चंद्र हमारे नाम का आपके साथ जुड़ा रहे।
क्षमा चाहता हूँ, आपका आदेश पालन कर रहा हूँ। गाने की आज स्थिति है नहीं, लेकिन ना नहीं कर रहा हूँ। प्रथमै गुरु के पदों में मैं पुनि पुनि करूं प्रणाम। जय हो। तापीछे सबको मेरी जय जय सीताराम। ये पुण्यमयी पावन बेला इस बेला में तुम ना सोवो, खो गया है जो खो जाने दो, जो बच्चा है उस ना खो। लाल चंद्र ये ध्यान रहे बीते कल को अब ना रो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम ना बो। जय हो। प्रयागराज की इस पावन धरती को नमन करते हुए यादव परिवार के सभी सदस्यों का, उपस्थित सभी महान भावों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। एक गीत भेंट कर रहा हूं संजय भैया, जो अभी तक आपके चैनल में नहीं है। आया तो है दूसरे चैनल में, वो भी पूरा नहीं आया है। आज उसको तो हम पूरे रूप में डाल देते हैं। बहुत पहले गीत निकला, कौन सा? आज बड़ी खुशी हुई है हमको कि हम आज अपने भैया से मिले। बड़े सुरीले अंदाज में आज आपने प्रस्तुति दी है, ये मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपसे पहले ही भेंट हुई हमारी, आपके ढोलक वादक ने हमारा हृदय ही जीत लिया। क्या बात है। संजय भैया को धन्यवाद देता हूँ। बढ़िया। तड़प रही है
परदेसी अखिया तरसी रही है पिया, परदेसी अखिया आए न बालों। सुना होगा कि सभी ने का करूं सजनी आए न बालों। अदने रागी जी, मेरे पूज पाठ गुरुदेव श्री राधा हरि कृष्ण शर्मा प्रेमनगर कानपुर, उनसे एक शिक्षा मिली मुझे। शिक्षाएं तो सभी मिली। वो कहते थे किसी गीत को सुनो पहले उस गीत को समझो जिसको आधार ले रहे हो। इस गीत में एक पंक्ति मुझे अच्छी लगी जिसका प्रयोग मैं अपने गीत में कर रहा हूँ। फिल्म से उधार ले रहा हूँ इस पंक्ति को। का करूं सजनी आए न बालम, आधी पंक्ति ले रहा हूँ का करूं सजनी, बस गीत को सुनिएगा, प्रयोग कर रहा हूँ। प्रातःकालीन बेला है। क्या बात है। लंका में श्री राम जी का हो रहा संग्राम, लंका में राम राम का हो रहा संग्राम, इतना भयानक युद्ध। सुरपुर से सभी देवता डटते हैं राम राम, क्या बात, इसलिए रखते हैं रावण के शीश राम ने काटे हैं अब 100 बार, एक नहीं। श्री राम ने रावण के शीश काटे तो 100 बार, मरा नहीं। क्यों कटते ही उसके शीश फिर से हो गए तैयार। एक कहावत है कि पांव तक बिनती और 100 तक गिनती, पूरी हो गई, रावण मरा नहीं। हो गया हैरान तो प्रभु हिम्मत हार कर अपनी प्रिया सिया से बोले यूं पुकार कर, अपने प्रिया सिया से बोले यूं पुकार कर, अपनी प्रिया सिया से बोले यूं पुकार कर, अपनी प्रिया सिया से बोले यूं पुकार कर। सीते तेरे लिए मैंने बहुत खून बहाया, लेकिन क्या करूं, आज स्थिति ये है कि वीरों से सुनी हुई जहां देखता हूं लाशें दिखाई देती हैं, वीरों से सुनी हुई लंका नगरिया, वीरों से सुनी हुई लंका नगरिया पर ये मरता न रावण। पंक्ति प्रयोग कर रहा हूं।
वीरस सुनी हुई लंका नगरिया पर मरता न रावण तो का करूं सजनी का करूं सजनी मरता न रावण ये व्यभिचारी ये व्यभिचारी पापाचारी ये व्यभिचारी अत्याचारी पापी परधंहारी और इससे हारी भूमि बिचारी इससे हारी भूमि बिचारी रोए सब संसारी क्योंकि इसने कुकुरम कर कर कुकुरम कर कर के जीवन भर पाप ही कमाए पाप ही कमाए लेकिन आश्चर्य इस बात का है क्या फिर भी भरी ना इसकी फिर भी भरी ना इसकी पाप की गगरिया फिर भी भरी ना इसकी पाप की गगरिया मरता न रावण का करूं सजनी मरता न खैर गीत को आगे बढ़ा रहा हूं सभी को मालूम है वहाँ उपस्थित थे भीषण कहा महाराज हिम्मत ना हारी है बस आप नजदीक पहुंच गए हैं क्यों क्यों कहा महाराज इसने तपस्या करते समय 108 बार भगवान शिव को अपने शीश काट कर चढ़ाए भगवान ने प्रकट होकर एक हाथ दिया कि हे रावण तेरे जैसा भक्त अभी तक तो नहीं देखा अगर तूने 108 बार अपने सर काट के मुझको चढ़ाए तो जाओ मैं तुझको वरदान देता हूं किसी के भी युद्ध में अगर कोई योद्धा तुम्हारे 108 बार भी सर काटेगा तो अभी तुम मरोगे नहीं और इससे ज्यादा कोई काटेगा नहीं बोले महाराज 108 तक नहीं मरेगा 108 के आगे बढ़ेंगे रावण का विनाश हो जाएगा खैर राम ने वही किया रावण मारा गया अयोध्या में खुशियां मनाई जाने लगे सीता ने कहा खुशियां मनाने का कारण क्या है क्या प्रभु राम कहने लगे जानकी तुमको पता नहीं कि मैंने इस धरती के इतने बड़े पापाचारी और इतने बड़े योद्धा को मारा है लंका पर विजय पाई है खुशी मनाने का मौका तो है सीता हंसने लगी हाँ महाराज खुशी मनाने का समय अभी नहीं है क्यों क्यों आपने बहुत छोटे से राक्षस को मारा है छोटा अक्षर है मार तो डाला दस सरवाला पर एक है शीश हजारी एक हजार सर का
राक्षस तो अभी जिंदा है महाराज, 10 सर वाले को मार के खुशियां मनाना ठीक नहीं है। सीते वो है कहाँ कहाँ मारा महाराज, श्रीलंका में है। राम सेना की छोटी सी टुकड़ी लेके श्रीलंका में पहुंच गया, उसको ललकार दिया। सहस्त्र सेना को पता चला कि कोई राम नाम का व्यक्ति युद्ध करने आया है, आप छोटी सी टुकड़ी के साथ चढ़ाई कर दी है। वो आया बोले राम कौन है, प्रभु राम ने कहा मैं हूँ राम। उसने कहा तुम लड़ोगे, और ऐसे ताली ठोंकने से उसके हाथ से जो हवा निकली उससे राम अपनी पूरी सेना के साथ उड़ के बाहर नगर के गिरे, अचेत हो गए। और जब चेतना जागर आई तो हनुमान का स्मरण किया, प्रिय भक्त हनुमान खड़े हो गए हाथ जोड़कर, प्रभु आदेश। कहा हमारा, कहा हे हनुमान मार तो डाला 10 सर वाला एक है शीश हजारी, तो जिसके आगे पौने लागे, जिसके आगे पौने लागे श्री राम धनुधारी। कहा प्रभु मुझे क्या आज्ञा है, कहा तुम जाके सीता से संदेश कह देना मेरा, प्रिया हमारी जनक दुलारी, अगर तू नया है, अगर तू नया है तो लड़ते रहे हम चाहे, लड़ते रहे हम चाहे सारी उमरिया, लड़ते रहे हम चाहे सारी उमरिया, मरेगा न रावण। कह देना मेरी तरफ से कि मैं क्या करूं सजनी मरता न रावण, रागी जी स्वयं आजाद जी आप बड़े सुरीले अंदाज में गा रहे हैं, ये ध्वनि थोड़ी सी करवट बदलती है। और ध्वनि बदलती करवट तो मैं भी बदल रहा हूं कि भोर भय पिया आँख खुली तो, उसने बदले ली अंगड़ाई, यहाँ के बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो बुजुर्गों के सामने नहीं कहनी चाहिए। रागी जी बहुत कम ऐसा मौका रहा जब दशहरा हमको अपने घर का हो, लेकिन 25 साल बाद एक बार मौका मिला हमको घर में कि दशहरा को हम घर में थे, हमारे विद्यालय के बच्चे आए बोले गुरुजी आप इस बार यहीं पर हैं क्या, हाँ बेटा इस बार यहीं हैं, बोले चलो हमका कहाँ, बोले चलो रावण को जलाया जाए, अरे हमका बेटा नहीं नहीं गुरुजी चलना पड़ेगा तो बच्चों की बालहट है, हम चले गए। जब वहां से लौट के आए तो 10:30 बज गया रात में, दरवाजा खटखटाना पड़ा, श्रीमती जी निकली, पूछा इतनी रात तक कहाँ रहे, हम कहा रावण जलाने गए थे, जल गया हम कहा लाएंगे तो जलेगा क्यों नहीं। देखिए संयोग होता कभी कभी, अगले साल हम फिर घर दशहरा में थे भैया यादव जी, फिर दशहरा में घर बच्चे फिर आए बोले फिर हम काफी बोले चलो चलो, फिर जब लेट लौट लौट के आए 11 बजे हमने फिर कुंडी खटखटाई बोले कहाँ गए थे हम का रावण जलाने,
बोली बहानेबाजी छोड़ दीजिए, अब बाल सफेद हो गए। उनका क्या? बोले पिछले साल की याद भूल गए, पिछले साल आप कह रहे थे हम रावण को जला आए, तो पिछले साल जलाए फिर बहाना कर रहे हो। हाँ पिछले साल जलाए तो जला दिया फिर आ गया। बोले ऐसा तो मैंने और कोई किसी व्यक्ति को नहीं देखा, किसी को जला दिया जाए अगले साल फिर आ गया फिर जलाए। लेकिन उसने हमसे जो कहा हम आपसे कह रहे हैं, आए दशहरा क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, ये क्या बात, आए दशहरा दे दे के पहरा रावण जलाया जाए। ये परंपरा है हमारे देश की। हालांकि दशहरा रावण का जलाना दशहरे का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि रावण तो चतुर्दशी को मारा गया वो भी चैत्र मास की, लेकिन दशहरे को जलाते हैं, छह महीने का अंतर है फिर भी जलाते हैं लोग। आए दशहरा दे दे के पहरा रावण जलाया जाए। तो श्रीमती जी ने कहा कि आश्चर्य इस बात का है, जले तन सारा, जब जले तन सारा तो फिर दोबारा रावण कहां से आए। कोई जवाब नहीं था मेरे पास, जवाब नहीं दे पाया। आपके पास जवाब हो तो हमको बता देना, हम घर जाके बता देंगे। तो लाल चंद्र मुख बंद अगर, लाल चंद्र मुख बंद अगर कोई भेद ये बताए, भेद तो बताए क्या, क्या मिल के चलाती जिसको, मिल के चलाती जिसको ये सारी नगरिया, मिल के चलाती जिसको ये सारी नगरिया, क्यों ये जलता न रावण। मुझसे सवाल किया, मिल के जलाती जिसको सारी नगरिया, क्यों जलता न रावण। अब मैं क्या करूं, मैंने भी कह दिया कि क्या करूं सजनी ये जलता न रावण। आज जवाब ही नहीं है, और फूलचंद भैया का स्नेह है कि आज हम आपके यहाँ उपस्थित हैं, तो हम आपको बताते हैं रावण जलता क्यों नहीं है। क्यों? देखिएगा, जलेगा नहीं क्योंकि हम एक रावण को जलाते हैं, एक रावण जलाने से रावण मरेगा नहीं। क्यों? क्यों? लाल चंद्र डेरा डाले है, आइए संजय भैया, आज आपने हमारा हृदय जीत लिया भाई, धन्यवाद। लाल चंद्र डेरा डाले है हर घर में छह रावण, हर घर में छह रावण। आप सोचते हैं कि हमारे घर में नहीं है, हैं? पक्का है, बस आप देख नहीं पा रहे।
अच्छा जब है तो देख क्यों नहीं पा रहे? क्यों? देखते तो है लेकिन नजरअंदाज करते हैं आप। लाल चंद्र डेरा डाले है हर घर में छह रावण। आपको नाम बता रहा हूँ, वो रावण है कौन? कौन? काम क्रोध मत लोभ मोह मत सर छह पाप बढ़ावन। मानव के सर, मानव के सर ये छे चढ़कर ठहाका लगाए, ठहाका लगाए। जलाते उधर रावण को, रावण तो इधर। मानव के सर ये छे चढ़कर ठहाका लगाए, ठहाका निवेदन अंतिम पंक्ति कर रहा हूं। जब तक न उजली होगी ये मन की कुठरिया, जब तक न उजली होगी मन की कुठरिया ये मरेगा न रावण, जलेगा न रावण। का करूं सजनी जगदा न राजा रामचंद्र भगवान की जय।